वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। मौजूदा अगर सियासी हालात देखें, मौजूदा मुल्की सूरत हाल देखें, तो मेरे ख्याल से अभी हमने ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल भी डिस्कस की, आपको बताया है पोलिटिकली भी क्या सिचुएशन चल रही है, हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं। इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम ख़राब हालात का वाहिद एक हल है तालीम। अगर आप अपने नौजवान को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर देंगे, आपकी आने वाली नस्लें यकीन माने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी, आपका मुल्क पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करेगा। तरक्की का वाहिद एक रास्ता है। सो तालीम के मैदान में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर हिजवेरी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ तालीम बल्कि जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जी आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं कि वो आगे जाकर जब तालीम हासिल करके फारिग हो जाएँ तो वो एक ज़बरदस्त शहरी भी बन सके और अपने आप बोझ, ना सिर्फ अपना बोझ बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ लेके चल सके, बल्कि कारामद शहरी साबित हो सके, बाहर निकल के कुछ कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं तालीम तो हासिल कर लेते हैं, जॉब उनको नहीं मिल पाती है, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सो हिजवेरी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से तालीम हासिल करके निकल रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके अलावा ख्वातीन की तालीम के लिए, बेहतरीन तालीम के लिए हिजवेरी यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है, आज हम शो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हिजवेरी यूनिवर्सिटी उमर शेख साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं, नेमुल बदल है ही नहीं ना। तालीम जो निखार बंदे में पैदा कर देती है, नो डाउट उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, एजुकेशन किस तरह से चेंज ले आती है एक बड़े लेवल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सिटी एट 10 लाहौर की आवाज़ है एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग टू द ऑडियंस। मीडिया का एक बड़ा रोल होता है इन एजुकेटिंग द सोसाइटी और आई थिंक सिटी 42 एंड योर शो इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू जी। आपका सवाल अभी हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल एजुकेशन पर, खवातीन की तालीम के बारे में। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हैं उसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। अव्वल तो हम 230 मिलियन लोगों का मुल्क हैं, विच मेक्स अस द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन अमंग द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में नौजवानों की सतह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास कुछ करके दिखाने का मौका भी ज़्यादा हो। बेशक। तो अब जब हम देखते हैं ना ख़वातीन के रेशो, इट्स अबाउट 50%, नॉट क्या वजह है? नेचुरली लड़कों को बाई डिफ़ॉल्ट तालीम के मौके ज़्यादा मिलते हैं। एग्जैक्टली। लड़कियों पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, सोसाइटी के कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। But what we need to understand is that ke when you're educating a girl, you're not educating a girl, you're educating the whole community. ek ladki ko aap taleem denge pure maashre ko denge, unka itna bada role hota hai in structuring the family and nurturing a family. So iske social or economic benefits matlab ye to koi do raaye nahi hai, koi shak nahi hai. Bilkul. Hajveri University ek platform hai female students ke liye जो कि हु वॉन्ट टू परसू परसू एजुकेशन एंड परसू करियर्स इन मेंटोरिंग की। वी हैव सो मेनी प्रोफेशनल फैकल्टी मेम्बर जो कि इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही हैं, सो मेनी जो कि मीडिया नेटवर्क्स में काम कर रही हैं। और हमारी जब बच्चियाँ उनको देखती हैं वो उनको एंकर्स बनने में, रिपोर्टिंग करने में, जर्नलिज्म करने में कर रही हैं। सो इंटरेस्टिंग, आई टेल यू समथिंग। हमारी पिछले महीने कॉन्वोकेशन हुई थी हिजवेरी यूनिवर्सिटी की एंड दी कपल ऑफ गर्ल्स who are just recent graduates from the university's film tv advertising and school of media studies, they were anchoring on the media networks and they were covering the university's convocation. Great. dekhen ye ek testament hai hamare naujawanon ki talent ka. aap unko thoda sa sira pakdayenge na, wo aapko aruj dikha denge. ठीक हो गया। ये तालीम की एक पावर है। हम यूनिवर्सिटी का काम है कि आपने उनको उन तक वो रसाई देनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, वो प्लेटफॉर्म देना है जिसके तहत बच्चे अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें। और वो ख़वातीन एक कॉन्फिडेंस आपको आपकी यूनिवर्सिटी एक अलहदा से आपके अंदर निखार ले आती है, वो जो आपकी छुपी सलाहियतें भी होती है ना, अगर आपका इदारा अच्छा हो।
सो वो आपकी उन सलाहियतों को बाहर लेकर आता है जो कि आपको हेल्प आउट करता है कुछ बनने में, एक राइट ट्रैक की तरफ जाने में। अच्छा जी, अब मैंने बहुत सारी खवातीन ऐसी देखी हैं यूनिवर्सिटी में, बड़ा अच्छी ब्राइट स्टूडेंट होती हैं, नंबर भी अच्छे ले लिए, स्किप करके शादी हो गई चलेगी। मतलब ये लोग, मैं समझती हूँ कि हमारी काउंसलिंग इस तरह से होनी चाहिए, कुछ पेरेंट्स के साथ सेशन होने चाहिए। ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी के साथ चीज़ें जो चल रही हैं, लेकिन आपको बीच में ये चीज़ें भी स्किप नहीं करनी चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट क्वेश्चन। खवातीन में ये एक हमारी जब प्रोग्रेशन होती है ना, कोई भी डिग्री प्रोग्राम 4 to 5 years स्ट्रेच हो जाता है, अगर वो बैचलर्स लेवल का हो उसके बाद मास्टर्स होता है। सो हमारी जो फीमेल स्टाफ मेम्बर्स और फैकल्टीज है ना, ये हमेशा ये चीज़ें केस स्टडी शेयर हो रही होती हैं कि हमारे पास थ्रू आउट डे वन से लेके चौथे साल तक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आती हैं और वो हमसे अपने पर्सनल मैटर्स, जिसमें शादी भी एक इशू होता है कि अब शादी आ गई है, अब मैं अपनी डिग्री किस तरह मुकम्मल करूँ। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है, काउंसलिंग करती है पेरेंट्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी, एंड सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम्प्लीट देयर डिग्री प्रोग्राम्स आफ्टर देयर मैरिज। Sometimes they can take a gap year, sometimes they can continue. आपकी एजुकेशन रुकावट नहीं आती आपके किसी भी जिंदगी के बढ़ने में। ये रुकावट सिर्फ यहाँ पर है, बिल्कुल, और कोई रुकावट नहीं है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज हमें ये समझने की जरूरत है कि वेन यू स्टार्ट एन एजुकेशन, इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट टू फिनिश इट। आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए और आपके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा इसको मुकम्मल करें। सही। अच्छा जी उमर शेख साहब, मुझे ये बताया गया यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं कोई स्टूडेंट्स एकेडमीज जाते या उस तरह से, आपने जो क्लास यूनिवर्सिटी की क्लास में लेक्चर हो गया और ओवरऑल स्टूडेंट के लिए वही सब कुछ होता है। सो टीचर्स पे बड़ा फिर आप लोग फोकस करते होंगे, क्लास के एनवायरमेंट पर बहुत फोकस करते होंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ट्रू जी। देखें जी, तालीम क्या है आपको, लेट्स लुक एट वेल राउंडेड एजुकेशन। एक वो तालीम है जो आप क्लासरूम के अंदर लेंगे। सही। आप हर सेमेस्टर में यू विल गो थ्रू द कोर्स वर्क, यू विल बी असेस्ड ऑन योर कोर्स वर्क और आप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप कुछ पा के निकलेंगे। मगर इसके साथ साथ आपकी एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, आप अपनी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन के उसके जो उसमें जो जिद्दत आ रही है हर रोज़ उस पर काम करें। तो एक ज़माना था आज से कुछ अर्सा पहले जब इंफॉर्मेशन एक साइलो में होती थी, आपको जाके लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब उठानी पड़ती थी और वो हर बंदे की रसाई नहीं थी। बिल्कुल। आज एट योर फिंगर टिप्स 24/7 365 आपके डोर स्टेप पे हर दुनिया की हर जिद्दत इज़ एट योर डोर स्टेप। सो माई एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स इज़ दैट थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा जज्बा अपनी फील्ड के साथ, अपने साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करो और फिर देखो क्या होता है। अगर आपको पता चल जाएगा आप में कितनी सलाहियत है तो आप सोच नहीं सकते आने वाला कल कितना अच्छा है। आपको क्या लगता है आपके कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो आप समझते हैं कि आपके स्टूडेंट्स अब उन कोर्सेज को करके अगर बाहर निकलते हैं तो आपको ज़्यादा वो फील्ड में नज़र आ रही है? अगेन थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सो बेसिकली देर आर सो मैनी फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड देर आर सो मैनी प्रोफेशंस which relate to all these fields. So students or parents में एक बड़ा एक सवालिया निशान होता है कि आने वाले कल के लिए पूरी ज़िंदगी का एक हो जाए, जो भी आप डिग्री प्रोग्राम चूज़ करेंगे ना, जो भी आप फील्ड ऑफ नॉलेज चूज़ करेंगी वो अगले 20-30 साल तक आपके साथ रहता है। एग्जैक्टली। अगर आप बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ती हैं तो आपको वो फाउंडेशन देता है बिज़नेस लॉ की, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, वो सारे शोबे जो किसी भी बिज़नेस के पिलर्स होते हैं। सही। आप वो समझती हैं, एक 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 बिज़नेस मैनेजमेंट का मतलब है कि 150 साल की जो डेवलपमेंट होती है ना, हाउ द बिजनेस वर फॉर्म्ड एंड हाउ क्रिएटेड एंड हाउ टू प्रोग्रेस है ना, वो आपको सिखाती हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हैं, स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं जगह जगह जाके फिफ्थ सेमेस्टर, अब तो बड़े मज़े की बात हो गई है, स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स दे आर ऑल एम्प्लॉयड, डिजिटल एज आ गई है, बट विल तो इसके अलावा देखें बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो गए, अगर उसके अलावा जी टेक्निकल साइड पे फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम्स हैं विच डील विद योर रेंज ऑफ मोशंस, आपको हर तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। ये एक हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज हो गए, डॉक्टर्स विदाउट मेडिसिन कैन नॉट अचीव देयर गोल्स, therein comes your pharmaceutical industry and comes the pharmacist. These students are working in every hospital. Hamari alumni community mashallah is working in all throughout all your biggest hospitals there, and the industry making from the making of those medicines to the administering of the right dosage to those.
सो इसके आगे चलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसमें इसको तो वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं है. मीडिया स्टडीज इसको भी वजाहत करने की. इस तरह के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, देयर सो मेनी प्रोग्राम्स. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, कम टू विजिट द यूनिवर्सिटी, टॉक टू द काउंसलर्स, टॉक टू द फैकल्टी मेंबर्स. आपका जाविया खुलेगा, आपका होराइज़न खुलेगा. काउंसलिंग जी बहुत ज़रूरी है. आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है, विजन आपका क्लियर हो जाता है. ग्लोबल आउटरीच के लिए क्या इकदामात हैं आपकी यूनिवर्सिटी के? जी बेसिकली हजवे यूनिवर्सिटी ग्लोबल आउटरीच इनिशिएटिव्स के ज़रिए अपनी तीन चार पहलुओं पे ना फोकस करना चाहती है. पहली चीज़ तो ये है कि इंटरनेशनलाइजेशन एंड रिसर्च. सो बेसिकली वी पार्टनर अप विद यूनिवर्सिटीज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, टर्की, सो ऑन सो फोर्थ, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स की मोबिलिटी होती है उन मुल्कों में. ठीक है. और रिसर्च प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग, pharmaceutical students at the university of at Hajway University and the partner university, they did a joint research on the potency of a drug. Right, ek drug thi, unhone kaha ki hum isko aur effective kis tarah bana sakte hain. Aur phir unhone patent apply kiya, intellectual property rights apply kiye within Pakistan, and they've been granted. Again, power of education, and no doubt. you give students a platform and see what happens. To ye to ho gayi हमारे ग्लोबल आउटरीच का वो सेगमेंट जो कि आपकी रिसर्च और इंटरनेशनलाइजेशन को देखता है. इसके आगे चलते हैं तो अब स्टूडेंट ने डिग्री ले ली है, उनकी अब क्या होगा? अब हम एम्प्लॉयबिलिटी पे आते हैं. आपको पता होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और ऐसे कुछ ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान बार बार आते हैं और यहाँ से रिक्रूटमेंट करते हैं. दे नीड डॉक्टर्स, दे नीड मेडिकल प्रोफेशनल्स, दे नीड एलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल्स टू परफॉर्म इन देयर हॉस्पिटल्स. क्योंकि हम वी आर हमारी अगेन पॉपुलेशन बड़ी सी है, हर बंदा इंग्लिश में, देव बिन एजुकेटेड इन इंग्लिश. सो वी पार्टनर अप विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जिसके जरिए वो कंपनीज आके यहाँ पर रिक्रूटमेंट करती हैं. वी इनेबल द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. मैं मदीना शरीफ में फिर रहा था, एक स्टूडेंट आके मिला मुझे, अपना तारुफ करवाते, कहते ये आप जो अम्ब्रेलाज, मदीना शरीफ के अम्ब्रेलाज आपने ज़रूर आपने देखे होंगे, कहते हैं कि आई एम ए पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग टीम जो कि इन अम्ब्रेलाज को इंस्टॉल कर रही है, बढ़ा रही है. आई वाज लाइक माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार. सो जो तीसरा पहलू होता है ना, जो इस साल हम जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो इनक्यूबेशन है. वी वांट टू पार्टनर अप विद लोकल फर्म्स, इंटरनेशनल फर्म्स, जिसके तहत हम बिजनेस इनक्यूबेशन, इफ़ समबडी हैज़ एन आइडिया एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ब्रिलियंट आइडियाज़, वी वांट टू सी देम गो थ्रू इनक्यूबेशन फेज. एंड देन हम इसके अलावा टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन भी देखना चाहते हैं. फाइनल से कि आपका फोकस जस्ट एजुकेशन पे नहीं है, एजुकेशन के बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी यूनिवर्सिटी लेके चल रही है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे आप स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए? आगे आपको सारे हालात भी नज़र आ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स में मैं देख रही हूँ पोलिटिकल सिचुएशन को लेकर, ये हमारे जितने ये मुल्की हालात चल रहे हैं, एक एग्रेशन सा भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सही बात है. 1992 से हमने अपनी यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया. इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम, इट वाज अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमी. उसके बाद 2002 में यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला. हम चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आतिफ मुश्ताक साहब की ज़ेर-ए-क़यादत में उनके विजन के साथ अनथक मेहनत के साथ एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बन गई. और 2002 एक वक्त था जब हायर एजुकेशन का क्याम हुआ और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो हायर एजुकेशन है ना, उसको बड़ी एक सपोर्ट मिली, नॉट जस्ट विद इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली. उसके बाद हमने तालीम के शोबे में बड़ी डेवलपमेंट देखी. बट अब हम 2022 में खड़े में हैं जो कि ख़त्म हुआ चला है. और हाँ, तो अब थिंग्स हैव चेंज्ड रेडिकली, राइट? अब सीएम साहब ने, सीएम पंजाब साहब ने एक एजुकेशन टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है, जिसमें प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी एजुकेशन को वो करना चाहते हैं, उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द वे. सो अब इस तरह है कि वी हैव टू केटर टूवर्ड्स आवर प्रॉब्लम. देखें, नंबर वन, बढ़ती हुई आबादी है, हमें अपनी एक्सेस ऑफ एजुकेशन पे काम करना है. वी नीड मोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, वी नीड टू, अर्बनाइजेशन हो रही है, जो रूरल एरियाज़ में थे वो अर्बनाइज हो रहे हैं. नेशन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है. हमारे फ्लड्स के दौरान हमारे बच्चे फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाते रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते रहे हैं, फिजिकल थेरेपी कैंप्स लगवाते रहे हैं, मेडिसिन देते रहे हैं. और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है मिलकर,
उसमें उनकी उनकी एफर्ट्स भी एक्नॉलेज हो रही हैं. सही. दे हैव बीन नॉमिनेटेड एंड आई होप दे गो फॉरवर्ड टू गेट दैट रिकॉग्निशन. कमिंग बैक टू दी हमने क्या करना है एज ए नेशन, हमने क्या करना है क्योंकि सोसाइटी तो हमारी है. ठीक हो गया, इसको आगे भी लेके हमने जाना. तो लिहाजा अब हमें टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम्स में और फोकस करना है. हमें एक बड़ी ज़बरदस्त क्लाइमेट इमरजेंसी आ रही है. यहाँ पर हमारे साउथ में एक शहर है जैकबाबाद, विच इज़ ग्राउंड ज़ीरो फॉर दी ग्लोबल वार्मिंग. वाटर शॉर्टेजेज आ रही हैं और कुछ ऐसी शॉर्टेजेज आ रही हैं जो कि हमने इस इकॉनमी में खुद ही अपना कर ली हैं. Exactly. बच्चों को ट्रेन करना है. वी हैव टू डेवलप दैट स्किल सेट. जितने चैलेंजेस हैं आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं. आपको टाइम, आपके पास टाइम भी है, आपको तैयार करना है और आपके नौजवानों में किसी सलाहियत की कमी नहीं है. एक राइट ट्रैक और एक प्लेटफॉर्म उनको बस आपको प्रोवाइड करना है, फिर आप देखें कि आपके नौजवान क्या कर दिखाते हैं. मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? सो मेनी मैसेजेस. टाइम लिमिटेड है. So basically, I think our students, our young generation, is faced with too much information. And I think in this day and age, ek to pehli cheez to ye hai, in this digital age, students should not wait to complete their degree program to start working. Employability happens much earlier. Aap ek digitally distributed economy hai. दुनिया भर में जो सर्विसेज और कोविड की वजह से एकदम से इसको बूस्टर पैक भी लग गया था. सो वी हैव सीन के एवरी दुनिया भर में जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑल फील्ड्स ऑफ डिज़ाइन एक्चुअली. स्टडीज के स्टूडेंट्स सारे अपने स्टूडियो चला रहे हैं. सो आप पाँचवें साल का इंतजार ना करें. सारे अपने Find your passion, develop your skill set, apply yourself. ये मेरा पहला था. दूसरा इससे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी ये है कि pick your role models very wisely. आप आपकी motivation बन जाते हैं. जी बिल्कुल. आप अगर आपके रोल मॉडल्स इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स निकलेंगे ना या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस निकलेंगे तो फिर आप समझ लें कि आप यू विल बी द एवरेज ऑफ दोज पीपल. बट इफ़ यू फाइंड योर रोल मॉडल्स, सबसे पहले अपने दीन से उठाएं. उन लोगों के बारे में पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, उन लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने इकॉनमी को और नेशन बिल्डिंग में बहुत आगे लेके गए हैं. बिल्कुल. कायद आजम के बारे में, इलामा इकबाल, इनकी इनके काम पढ़ें. बहुत. और उसके बाद बहुत बहुत बड़े नाम है. और उसके बाद सेट योर पाथ. और फिर मेहनत है जी, उसके अलावा तो कोई मैं कहती हूँ जी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं कि आप नाकाम हो. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपकी. थैंक यू. नाज़िम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहेगा.